अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश। सो वी आर गोइंग टू रीड ए मैड टी पार्टी, क्लास सेवन्थ इंग्लिश से ली गई है। तो ये टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, अ टेबल सेट आउट अंडर ए ट्री इन फ्रंट ऑफ ए हाउस। एक टेबल बिछा हुआ था एक दरख्त के नीचे मकान के सामने। एंड अ लाइस सा द मार्च हेयर इन द हैटर हैविंग टी एट इट। अ डॉर्माउस वाज सिटिंग बिटवीन देम फास्ट एस्लीप। और एलाइस ने देखा कि मार्च हेयर और हैटर चाय पी रहे हैं और डॉर्माउस उनके बीच में बैठा सो रहा था। And the other two were using it as a cushion and talking over its head. और दूसरे दो जो थे उन्होंने इसको तकिए के तौर पर इस्तेमाल करते थे इसको, and talking over its head, और इसके सर पर काना फूसी जन बातें करते थे। Very uncomfortable for the Dormouse, जो बहुत ही uncomfortable थी Dormouse के लिए, गैर आरामदेह था। Thought Alice, Perhaps it's asleep. I suppose it doesn't mind. एलाइस ने सोचा कि शायद ये सो रहा है। I suppose it doesn't mind. मैं कहूँ अगर उनको बुरा ना लगे। The table was a large one, but the three were all crowded together at one corner of it. टेबल जो था ये बहुत बड़ा टेबल था और तीनों टेबल के कोने पर बैठे हुए थे। No room, no room, they cried out when they saw Alice coming. वो तीनों चल्ला उठे, कोई कमरा नहीं है, कोई कमरा नहीं है। When जब उन्होंने Alice को आते हुए देखा, there's plenty of room, said Alice. Alice ने कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमरे हैं। And she sat down in a large armchair at one end of the table. और टेबल की एक साइड में एक बड़ी कुर्सी लगी हुई थी, आम चेयर थी, वो उस पर बैठ गई आकर। हैव सम वाइन, कुछ शराब है। द मार्च हेयर सेड इन एन इनकरेजिंग टून, मार्च हेयर ने बड़ी इनकरेजिंग हौसला अफजाई आवाज़ में कहा। एलाइस लुक्ड ऑल अराउंड द टेबल, एलाइस ने चारों तरफ टेबल के देखा। देयर वाज नथिंग टू बी सीन ऑन इट्स एक्सेप्ट टी, वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दिया बगैर चाय के। आई डोंट सी एनी वाइन, मैंने कोई वाइन कोई शराब नहीं देखा, शी रिमार्केड। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज स्टॉप हेयर। वी विल मोर डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। स्टे होम, स्टे सेफ। खुदा हाफिज़।